सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्लाइड अवे फ्रॉम हिम तक कंप्लीट किया था और आज की वीडियो में हमने जो रिमेनिंग चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। इन अ वाइल द ट्रक स्टॉप नियर द रिवर बेड, रंजी गॉट डाउन थैंक द ड्राइवर। जैसे ही ट्रक रिवर बेड के पास पहुंचता है, रंजी उससे उतर जाता है और ड्राइवर को थैंक करता है एंड बिगिन वॉकिंग अलोंग द बैंक, और नदी के किनारे पर चलना शुरू कर देता है। इट वॉज ड्राई, वो सूखी हुई थी, सूखा हुआ सीजन था। एंड रिवर वॉज जस्ट शालो मडी स्ट्रीम, जो पानी था बहुत ही कम था और जो भी था वो जो जगह थी वो बहुत ही मडी थी, यानी कि मिट्टी मिट्टी सी बची थी। रंजी वॉक्ड अप एंड डाउन विदाउट फाइंडिंग वाटर डीप। रंजी जो है वो नीचे की तरफ उतरता जाता है विदाउट फाइंडिंग वाटर, बिना पानी मिले हुए। डीप इनफ फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ फिश, और बहुत ही डीप में स्मॉलेस्ट फिश थी। नो वंडर मोहिंदर लेट मी हैव दिस रॉड, ही मटर्ड। वो बुदबुदाते हुए कहता है कि मोहिंदर ने मुझे रॉड शायद इसीलिए दी है क्योंकि ना तो यहाँ पे पानी है और ना तो यहाँ पे फिश है। एंड विद अ श्रग ही टर्न्ड बैक, उसने अपने कंधों को उचकाते हुए और वहाँ से वापस हो गया। मतलब उसने ये रिएक्ट किया कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इट वॉज लॉन्ग हॉट वॉक बैक टू द बाजार, और वो बाजार की तरफ वापस चला आया या चला गया। रंजी थॉट अगेन, रंजी ने फिर से सोचा ऑफ द जलेबी दैट ही हैड नॉट बीन एबल टू बाई, और वो जलेबी के बारे में सोच रहा था जो वो नहीं ले पाया था। ही हैड रीच्ड अ फ्यू स्कैटर्ड हाउस, और रंजी जो है ही हैड रीच्ड, वो पहुंचा अ फ्यू स्कैटर्ड मतलब चितरे हुए हाउसेस यानी घरों के पास। कहने का मतलब है वो ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर थोड़े से कम घर थे, दूर दूर घर थे। व्हेन ही सॉ अ बॉय प्लेइंग अ फ्लूट, और उसने देखा कि वहाँ पे एक जो बॉय है वो फ्लूट को बजा रहा था, यानी कि बांसुरी बजा रहा था। इन दिस स्टिलनेस ऑफ द हॉट आफ्टरनून, मतलब चिलचिलाती दोपहर में ऐसा मौसम था जो शुष्क था, बहुत गर्मी थी। द फ्लूट मेड अ चीयरफुल साउंड, और जो बांसुरी थी बहुत ही प्यारा सा साउंड सुना रही थी, यानी कि जो फ्लूट बज रही थी वो बहुत सुनकर अच्छा लग रहा था। रंजी स्टॉप्ड वॉकिंग, द बॉय स्टॉप प्लेइंग। रंजी भी उसकी आवाज़ को सुनकर रुक गया, और जो फ्लूट को बजा रहा था वो भी बच्चा, जो लड़का था वो चुप हो गया। द बॉय हैड हिज आई ऑन रंजीज फिशिंग रॉड, बच्चे की जो मतलब उस लड़के की आँखें जो थी वो रंजी के पास जो फिशिंग रॉड थी उस पर जाके रुक गई, और रंजी हैड हिज आई ऑन द फ्लूट, और रंजी की आँखें उसके फ्लूट पर थी। बीइंग फिशी एज द फ्लूट प्लेयर, यस सेड रंजी, तो जो बीइंग फिशिंग एज द फ्लूट प्लेयर, उसने कहा तुमने फिशिंग की है, रंजी ने कहा यस। डिड यू कैच एनीथिंग, नो सेड रंजी, आई डिडंट स्टे वेरी लॉन्ग। रंजी से उसने पूछा क्या तुमने कुछ पकड़ा है, तो उसने कहा नहीं क्योंकि मैं वहाँ लंबे समय तक नहीं रुका। देयर वॉज अ लॉन्ग साइलेंस, वो लोग लंबे समय तक चुप रहे। देन रंजी सेड इट्स गुड रॉड, तो रंजी ने उससे क्या कहा, ये बहुत अच्छी रॉड है। दिस इज़ अ गुड फ्लूट सेड द बॉय, लड़के ने भी कहा यह एक अच्छी बांसुरी है। रंजी टुक द फ्लूट एंड एग्जामिन इट, रंजी ने उस फ्लूट को ले लिया और उसको केयरफुली देखा। एग्जामिन का मतलब होता है अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करना। ही पुट इट टू हिज लिप्स एंड ब्लू हार्ड, उसने अपने होठों को उस फ्लूट के ऊपर रखा और तेज से फूंक मारा। देयर वॉज अ श्रिल स्क्वी नॉइज एंड अ स्टार्टलेट मैगपाई फ्लू आउट ऑफ अ मैंगो ट्री। क्या होता है कि जैसे ही उसने उसमें फूंक मारा, जो आवाज़ उसमें से निकली वो बहुत ही अनोइंग थी, और ऐसी आवाज़ जो मतलब सुनने में अच्छी नहीं लग रही थी, थोड़ा इरिटेट कर रही थी। तो उसी जगह पर एक मैंगो ट्री था जिस पे एक बर्ड बैठी थी जिसका नाम था मैगपाई, और वो आवाज़ सुन करके वहाँ से वो भाग गई। नॉट बैड सेड रंजी, रंजी ने कहा बुरा तो नहीं है।
द बॉय हैड टेकन द रॉड फ्रॉम रंजी एंड वॉज लुकिंग इट ओवर, नॉट बैड ही सेड. और जो लड़का था उसने क्या किया, रंजी की रॉड ले ली और उसको अच्छी तरीके से देखा, कहा यह भी बुरा नहीं है. रंजी हेजिटेट नो लॉन्गर, अब रंजी तो था उसके अंदर जो भी हेजिटेशन थी वो खत्म हो चुकी थी. लेट्स एक्सचेंज आर ट्रेड वॉज मेड, क्या होता है दोनों एक छोटा सा व्यापार कर लेते हैं, एक बिजनेस कर लेते हैं कि चलो इसको एक्सचेंज कर लेते हैं. द बॉय टुक द फिशिंग रॉड, लड़के ने फिशिंग रॉड ले ली एंड वेंट ऑन हिज वे, और अपने रास्ते पे चलता बना. रंजी बिगिन प्लेइंग द फ्लूट, रंजी ने फ्लूट को बजाना शुरू किया. द नोट साउंडेड लवली टू हिम, उसको जो उसकी आवाज़ थी वो बहुत अच्छी लग रही थी. बट दे स्टार्टलेड पीपल हु वर पासिंग ऑन द रोड, और जो लोग भी वहाँ से निकल रहे थे वो सरप्राइजली उस अनप्लीजेंट वॉइस को सुन करके थोड़ा सा मतलब वहाँ से निकलते हुए जो भी लोग थे वो उसकी तरफ उसको देख रहे थे. When he came to clock tower, जब वो clock tower पे आया, where the bazaar began, वहाँ पे बाजार जो है शुरू हो चुकी थी. He sat on the low wall, और low wall के पास वो बैठ गया and blew vigorously on the flute. और flute को vigorously का मतलब होता है full of energy, बड़े जोश के साथ उसने बजाना शुरू किया. I can play better than that, shut up boy who was carrying several empty milk can. Let's see, रंजी said. तो वहाँ पे क्या है कि एक आदमी जो है, सॉरी एक बॉय है, वो आता है वो जिसके पास में बहुत सारे empty milk can थे. तो उसने कहा आई कैन प्ले बेटर देन दैट, उसने कहा जो तुम बजा रहे हो इससे अच्छा मैं बजा सकता हूँ. तो रंजी ने कहा चलो देखते हैं. द बॉय टुक फ्लूट एंड प्लेड अ लवली लिटिल ट्यून, लड़के ने फ्लूट को ले लिया और बहुत ही प्यारी धुन में उसको बजाना शुरू किया. यू कैन हैव इट फॉर अ रुपी, सेड रंजी, रंजी ने कहा कि तुम इसको ले सकते हो एक रुपए में. आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेयर, सेड द बॉय, लड़के ने कहा मेरे पास एक भी पैसा नहीं है इसको खरीदने के लिए. ठीक है, सेड द बॉय बट यू कैन हैव दिस नेकलेस, उसने कहा बट तुम इसके बदले में ये नेकलेस रख सकते हो. ही शोड रंजी अ प्रिटी नेकलेस ऑफ ब्राइटली कलर्ड स्टोन, उसने रंजी को एक नेकलेस दिखाया जो कि जिसमें बहुत सारे कलरफुल स्टोन लगे हुए थे. द स्टोन्स आर वेरी प्रीसियस, सेड द बॉय, लड़के ने कहा जो ये स्टोन है वो बहुत ही कीमती हैं. देवर फाउंड इन द माउंटेन नियर तिब्बत, और जो ये इसमें स्टोन लगे हुए हैं ये पास में ही माउंटेन है जो कि तिब्बत में है, वहाँ से ये जो स्टोन्स हैं वो लाए गए हैं. रंजी न्यू द स्टोन्स हैड लिटिल वैल्यू, रंजी को पता था जो ये स्टोन है उनकी बहुत ही कम वैल्यू है. बट देवर प्रिटी, ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं. रंजी को पता था कि जो लड़का बोल रहा है वो सच नहीं है, बट जो इसमें स्टोन्स लगे हैं वो दिखने में बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं. एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ द फ्लूट, और वो फ्लूट से थक भी चुका था. दे मेड द एक्सचेंज, अब उसने उससे भी उसको एक्सचेंज कर लिया. एंड द बॉय वेंट ऑफ प्लेइंग द फ्लूट, और लड़का वहाँ से फ्लूट बजाते हुए चला गया. रंजी वॉज अबाउट टू थ्रस्ट द नेकलेस इन टू हिज पॉकेट, रंजी ने क्या किया जल्दी से उस नेकलेस को ले करके अपने पॉकेट में मतलब फोर्सली डाल दिया, मतलब जल्दी से डाल दिया. व्हेन ही नोटिस अ गर्ल स्टेयरिंग एट हिम, हर नेम वॉज कोकी एंड शी लिव्ड क्लोज टू हिज हाउस, जब वो ये सब कुछ कर रहा था उस समय पर वहाँ पे एक उसकी नेबर थी जिसका नाम था कोकी, छोटे से लड़के थे वो ये सब देख रही थी और वो नेकलेस को घूर रही थी. और जैसे ही रंजी ने उसको देखा कि वो नेकलेस की तरफ देख रही है, उसने जल्दी से अपने पॉकेट में उसको डाल लिया. उसने कहा हेलो कोकी, ही सेड व्हाट्स दैट यू हैव गॉट, रंजी जो रंजी था उसने कोकी को हेलो बोला. उसने कहा व्हाट दैट यू हैव गॉट रंजी, उसने कहा तुम्हें क्या मिला है, आ नेकलेस वुड यू लाइक टू हैव इट, उसने कहा हाँ एक नेकलेस से क्या तुम इसको लोगी. ओह थैंक यू सेड कोकी, कोकी ने कहा थैंक यू क्लैपिंग हर हैंड्स विथ प्लेजर, और खुशी से अपने हाथों से उसने ताली बजाना शुरू किया. पर रंजी ने क्या कहा, देखो रंजी का बिजनेस माइंड जो है वो देखो, वन रुपी एक रुपये दो, रंजी ने कहा. ओह सेट कोकी, कोकी ने कहा शी मेड अ फेस, उसने मुंह थोड़ा
थोड़ा सा बनाते हुए कहा, क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं थे, वो तो सोच रही थी कि हो सकता है ये फ्री में मुझे मिल जाए। बट रंजी वॉज लुकिंग द अदर वे एंड होमिंग, रंजी उसकी तरफ उसने देखा भी नहीं, जो भी वो कर रही थी, जो भी उसका रिएक्शन था उसकी तरफ उसने देखा नहीं, वो दूसरी तरफ मुंह करके बोला मुझे 1 रुपये दो, मतलब आप मुझे 1 रुपये दो, इसके बदले में नेकलेस ले लो। कोकी केप्ट स्टेयरिंग एट द नेकलेस, कोकी अभी भी नेकलेस को घूर रही थी। स्लोली शी ओपेंड अ लिटिल पर्स, उसने छोटी सी अपनी पर्स को ओपन किया, टुक आउट शाइनिंग न्यू रुपी, उसने एक नया चमकता हुआ रुपये निकाला, एंड हेल्ड इट आउट टू रंजी, और रंजी के हाथों में पकड़ा दिया। रंजी हैंडेड हर द नेकलेस, रंजी ने उसको नेकलेस हैंड ओवर कर दिया, क्योंकि रंजी को नेकलेस से कोई लेना देना नहीं था, उसे तो सिर्फ रुपी की नीड थी। और जो कोकी थी, कोकी एक लड़की थी, और लड़कियों को तो ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, जैसे कि नेकलेस हो गया, है ना, गोल्ड सिल्वर, ऐसी चीज़ें लड़कियों को वैसे भी पसंद होती हैं। देन ही रैन अक्रॉस द जमुना स्वीट शॉप and toss the coin on the counter, जलेबी for a rupee, he said. जैसे ही उसको 1 रुपये मिलता है वो जमुना स्वीट पे घूमता हुआ भाग जाता है और उसकी दुकान पे सिक्का उछाल के मारता है काउंटर पे, कहता है कि मुझे 1 रुपये की जलेबी दो। The sweet seller studied the coin carefully, he said, always at your service, sir. तो उसने क्या किया, जो स्वीट शॉप का ऑनर था उसने उस सिक्के को उठाया और बहुत अच्छे से एग्जामिन किया, देखा और कहा आपकी सेवा में सर। ही फिल्ड अ पेपर बैग विद अ हॉट जलेबी, उसने एक पेपर बैग को लिया और जलेबी उसमें भर दी, एंड हैंडेड देम ओवर, और उसको दे दिया, यानी कि जो शॉपकीपर था उसने रंजी के हाथ में जलेबी दे दी। व्हेन रंजी रीच द क्लॉक टावर, जब रंजी क्लॉक टावर के पास पहुँचता है, ही फाउंडेड कोकी वेटिंग, वहाँ पर उसने क्या देखा, कोकी जो है उसको उसका वेट कर रही है। ओह आई एम सो हंग्री, शी सेड गिविंग हिम अ शाई स्माइल, मुस्कुराते हुए शर्माते हुए उसने कहा मैं भी बहुत भूखी हूँ। सो दे सैट साइड बाई साइड ऑन द लो वॉल, और दोनों ही उस दीवार के पास में बैठ जाते हैं, एंड कोकी हेल्प रंजी फिनिश द जलेबी, और कोकी उसको जलेबी को फिनिश करने में उसकी मदद करती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। जैसा कि ये टाइटल आप देख रहे हैं, अ रुपी गोज अ लॉन्ग वे, मतलब कि ये जो रुपी है उसने कितना लंबा सफ़र जो है वो तय किया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।